हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहां पे बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के बारे में। यहां पे कोटक महिंद्रा बैंक की जो फाइनेंशियल डिटेल है वो कंप्लीट हम कवर करने वाले हैं वन बाय वन। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। हम आपको अपना पूरा 100% देने को तैयार हैं, बट अगर आपके अंदर वो ललक है तो प्लीज अपना रिस्पांस प्रोवाइड किया करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। हमको लगता है कि आप जब लाइक नहीं करते तो आप कुछ, मेरे को लगता है कि कुछ नहीं सीख पा रहे हो। अगर आप लाइक करोगे तो हमको लगेगा कि जो हम दे रहे हैं यहाँ पे, जो चीजें सिखाना चाह रहे हैं वो प्रॉपर सीख पा रहे हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और ये जो वीडियो बनाए जाते हैं ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से, आपको सिखाने के पर्पज से ही बनाया जाता है, तो अपना फीडबैक जरूर दिया करें। हमको भी अच्छा लगता है कि जो हम सिखा रहे हैं उसका फीडबैक हमको मिल रहा है। यहाँ पे बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे करेंटली ट्रेड हो रहा है 1764 रुपए के आसपास। करीबन यहाँ पे 1% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। करंट मार्केट कैप अगर देखें तो 3,50,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। 1926 का हाई बनाया था और 1544 का लो बनाया था। यहाँ पे अगर देखोगे स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो करीबन यहाँ पे 18.8 के आसपास कामकाज कर रहा है। बुक वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 654 रुपए के आसपास है। डिविडेंड ये बहुत कम प्रोवाइड करता है शेयर होल्डर को। रिटर्न कितना जनरेट करता है अपने कैपिटल पे, 7.8% और इक्विटी पे यहाँ पे 15.1%। फेस वैल्यू स्टॉक की यहाँ पे 5 देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 11.7 है। मार्केट को प्रीमियम दिया है, पहले भी देता था अभी भी दिया है। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो यहाँ पे 5,20,000 करोड़ का यहाँ पे कर्जा है। तो ये इनका काम ही है, यही बिजनेस है कि लो इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना और हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देना। तो कर्जे की यहाँ पे टेंशन नहीं रहती बैंकिंग सेक्टर में, सिर्फ एनपीए पे ध्यान रखना होता है हमको। चार्ट की बात करें, यहाँ पे चार्ट हम देखते हैं ट्रेडिंग व्यू में। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात कर लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम 5 साल का लगाएं, 5 साल नहीं 10 साल का भी लगाएं, तो 10 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मीडियन इसका जो रहता था 35.9 के आसपास रहता था। 5 साल का भी करें तो 5 साल का भी यहाँ पे 29 के आसपास रहता था। अभी कितने में चल रहा है, 18.8 के आसपास, यानी करीबन 50% डिस्काउंट पे चल रहा है ये स्टॉक। तो वो चीजें आपको समझनी है, आपको एनालाइज करना है। मैं यहाँ पे परचेस की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं चीजें बताता हूँ कि कैसे एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देखोगे कोटक महिंद्रा बैंक एक चैनल पे भी कामकाज कर रहा है। ये चैनल के ऊपर अभी ब्रेक अप देगा या ब्रेक डाउन देगा तभी यहाँ पे एक साइड मूवमेंट पॉसिबल होगा, नहीं तो यहाँ पे एक चैनल पे काम करता जाएगा, नीचे आएगा, नीचे पे बाइंग करना है, ऊपर पे छोड़ना है, नीचे पे बाइंग करना है, ऊपर पे छोड़ना है, यही चलता रहेगा। तो कोई यहाँ पे अभी मूवमेंट हमको खास दिखाई नहीं पड़ रही है और ये पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन बना है। तो हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट हो और 1964 रुपए के लेवल तक जाने का प्रयास करे। तो ये चीजें पॉसिबिलिटी है। और एक पैटर्न और बन रहा था, क्या बोलते हैं, एक मिनट, रिवर्स हेड एंड शोल्डर। ये अगर देखोगे तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बन रहा है, तो वो पैटर्न का जो टेक्निकल टारगेट है वो भी इसी के आसपास आ रहा है, करीबन 2260-2250 के आसपास, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है। अगर ऑल टाइम हाई के आसपास भी चला जाता है तो यहाँ पे करीबन 2270 के आसपास का यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई बना था। तो अच्छा खासा अगर करंट प्राइस से गेन देखा जाए, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, करंट प्राइस से अगर गेन देखा जाए ऑल टाइम हाई का, तो करीबन 28% के आसपास है। तो वो चीजें भी आप देख सकते हो क्लियर कट। अब आते हैं हम यहाँ पे पीयर्स में। पीयर्स में कौन कौन से हैं, एचडीएफसी बैंक है टॉप पे, आईसीआईसीआई, एक्सिस, फिर इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक का ही यहाँ पे नाम आता है। क्वार्टर के रिजल्ट की भी बात करें, क्वार्टर के रिजल्ट अगर हम जून क्वार्टर से जून क्वार्टर को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हुई है और
क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स इंक्रीज हुई है, देख सकते हैं 15,156 करोड़ से सेल्स हो गई है 15,837 करोड़ के आसपास। ऑपरेटिंग यानी फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा माइनस में हुआ है। तो ये एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता है, इसमें क्या है जो भी सेल्स आई है उसमें इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस को घटा दिया जाता है, तो ये क्या होता है जो प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है वो चीज होता है। बट कंपनी का एक्चुअली प्रॉफिट यहाँ से आता है जो कंपनी इंटरेस्ट देता है और इंटरेस्ट लेता है, पैसा देता है इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट गेन करता है, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। 13,042 करोड़ का कंपनी ने इंटरेस्ट इस क्वार्टर कमाया है, और ये सब माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो बचा है वो अगर आप देखोगे तो कंपनी ने कितना कमाया है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे वो चीजें देख सकते हो कंपनी ने कितना कमाया है, 9811 करोड़, जबकि लास्ट क्वार्टर 6775 करोड़ था और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 5586 करोड़ था। तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो सेम रेशियो में होगा, 7448 करोड़ कमाया कंपनी ने इस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 5337 करोड़ कमाया था और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 4150 करोड़ के आसपास कमाया था। एनपीए भी अगर आप चेक करो, नेट एनपीए जो कंपनी का है वो बढ़ तो नहीं रहा है, तो यहाँ पे कंपनी का नेट एनपीए भी लोवेस्ट एवर है यहाँ पे, तो वो चीजें भी यहाँ पे आप देख सकते हो। यही अगर साल दर साल देखना है तो साल दर साल भी देख सकते हो, कंपनी का जो बिजनेस है वो बढ़ा है, कंपनी का जो इंटरेस्ट मार्जिन है जिससे इनकम आई है, प्रॉफिट आया है वो भी बढ़ा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा है, साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है ट्रेलिंग 12 मंथ में। तो यानी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसी कारण से यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो वो चीजें यहाँ पे क्लियर कट आपको देखने को मिल जाएंगी। कंपनी का बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी आप देख सकते हो, कंपनी का जो रिजर्व है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है यहाँ पे, और फिक्स एसेट्स भी यहाँ पे कंपनी के देख सकते हो इंक्रीज हुए हैं। कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, ऐसा नहीं कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा, तो वो चीजें भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले यहाँ पे प्रमोटर है, प्रमोटर के पास यहाँ पे 25% 26% स्टेक है, FII है यहाँ पे 33% स्टेक उठाए हुए हैं, DII है 27-28% यहाँ पे स्टेक है, और पब्लिक के पास जो स्टेक है वो 13.26% है। तो मेजोरिटी ऑफ जो होल्डिंग है वो यहाँ पे बड़े प्लेयर के पास है, तो बड़े प्लेयर जब चाहेंगे तब यहाँ पे प्राइज एक्शन होगा, जब तक वो चाहेंगे नहीं तब तक यहाँ पे प्राइज एक्शन नहीं होने वाला। तो बड़े प्लेयर के पास होल्डिंग है यानी वो भी पैसा कमाएंगे मार्केट में, ऐसा नहीं कि वो मार्केट में पैसा इतने दिन से नहीं कमाएंगे, वो भी पैसा कमाएंगे, तो वो प्राइज एक्शन कराएंगे ही, बट कब कराएंगे ये अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि ये लार्ज कैप है, इसमें प्राइज एक्शन कराने में बहुत टाइम भी लगता है, तो कंपनी के शेयर प्राइस में जंप होगा, बट हो सकता है अभी एक आध साल लग जाए या दो साल लग जाए प्राइस एक्शन होने में। वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, कंपनी के प्रॉफिट बहुत अच्छे आ रहे हैं, अगर आप देखोगे साल दर साल यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो कैसे हो गए हैं, अगर ये जो प्राइस है ये प्राइस कब का है यहाँ पे 2020 यानी 2021 फाइनेंशियल ईयर का है, 2021 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ करता था वो कितना था 9,990 करोड़, अभी कितना है 21,500 करोड़, तो यानी प्रॉफिट जस्ट डबल हो गया है, तो प्राइस भी यहाँ से जस्ट डबल होगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो चीजें यहाँ पे पेशेंस करने वाले समझते हैं, जो जिनके पास नॉलेज होता है वो चीज समझते हैं समझाने से, और जिनके पास नॉलेज नहीं होता तो वो बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना बेकार है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बेकार है, पैसा डूब जाएगा, तो वो सारी चीजें वो लोग करते हैं। तो वीडियो अगर आपको लगा हो अच्छा समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग करने की, बाइंग करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।